खंभा घड़ी सा आवाज राजस्थान रिमाए सगला रो घणो घणो स्वागत अभिनंदन आप सभी का। मैं आयुषी विजय डायलॉग इनिशिएटिव फाउंडेशन और फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आवाज राजस्थान की, जिसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हमें मिलेंगे जो आने वाले टाइम तक अपनी आवाज़ की जादू से सभी का दिल तो जीतने वाले ही हैं और हमेशा हमें और राजस्थान की इस धरती को गौरवान्वित करने वाले हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। चाहूंगी कि एक बार आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। और आप सभी को बता दूं कि आज की शाम में होगा कुछ ऐसा काज कि जब हम सब अगली सुबह उठेंगे तो होगा इस बीती शाम का नाज। तो इस नाज वाली शाम को आगाज देंगे, पर उससे पहले सबसे पहले ऑन द स्टेज मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर राकेश योगी सर को कि सर प्लीज आप हमें ऑन द स्टेज ज्वाइन करें। आप चेयरमैन हैं डायलॉग इनिशिएटिव फाउंडेशन और जो नींव जो रखी है आवाज राजस्थान भी कि सर ने ही रखी है और इन्हीं की सोच के साथ आज के दिन का आगाज हो रहा है, सेमीफाइनल राउंड का आगाज हो रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर। डायलॉग इनिशिएटिव फाउंडेशन ने एक इनिशिएटिव लिया कि राजस्थानी लोक संगीत जो है वो देश दुनिया के दुनिया में जिस मुकाम पर है उससे एक कदम और आगे जा सके और टेलीविज़न और फिल्म की दुनिया में हम एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत कर सकें, एक ऐसे कार्यक्रम की स्थापना कर सकें जो कि राजस्थानी लोक कलाकारों के लिए एक प्लेटफॉर्म बन सके। आगे आने वाले समय में राजस्थान के लोक कलाकार उसी तरह मशहूर हो सकें जैसे बाकी प्रदेशों के लोक कलाकार, बाकी प्रदेशों का लोक संगीत मशहूर हुआ है। बहुत सारे लोगों ने हमारा उत्साह बढ़ाया, डॉक्टर महेंद्र भानावर, डॉक्टर प्रेम भंडारी, डॉक्टर शकुंतला पवार, डॉक्टर माणिक आर्या हमारे संरक्षक मंडल में रहे, बुंदू खान खंडेला जी, गौरव जैन जी, डॉक्टर अंशु वर्मा जी, डॉक्टर गरिमा कुमावत जी, शारदा देवड़ा जी हमारे साथ जूरी के रूप में जुड़े रहे और हम उन सबके शुक्रगुजार हैं। हमारे कंटेस्टेंट खास तौर पर हमारे लिए बहुत ख़ास हैं क्योंकि उन्होंने उनकी ही जो उत्साह है, उनकी जो मेहनत है वही इस आयोजन को सफल बनाएगी। और फर्स्ट इंडिया के CEO जगदीश सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये मौका दिया कि डायलॉग इनिशिएटिव फाउंडेशन के इस कार्यक्रम को के साथ मिलकर और उसको चैनल पर प्रसारित करने का निर्णय लिया और आगे भी हम इस कार्यक्रम को इस चैनल के साथ आगे बढ़ाएंगे ये उम्मीद है। हमारे सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। इस सेमीफाइनल राउंड में जिन जजेस ने अपनी पारदर्शिता के साथ और हर एक बारीकी को जांचते हुए 250 कंटेस्टेंट में से वो टॉप 10 निकाले हैं, तो सबसे पहले उनसे आपको रूबरू कराते हैं। बूंदू खान खंडेला सर, राजस्थानी फिल्म पगड़ी में आवे हिचकी गाना आपने गाया है, डोंगरी फिल्म में सूफी गाना आपने गाया है, हवा इश्क की ले गई उड़ा के रूह की पतंग, पंजाबी एल्बम मैनू यार मिला दे रब्बा में भी आपने गाना गाया है, 35 देशों में मलंग म्यूजिक ग्रुप के साथ आपने यात्रा की है, राजस्थान और राजस्थानी गानों को देश भर में मशहूर किया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमारे दूसरे जज से आपको मिलाते हैं, गौरव जैन सर से। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगी। आपने लाइव स्टेज परफॉर्मेंस दी है म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान के साथ और साथ ही आपके लिए बता दें आप टॉप 10 फाइनलिस्ट में थे फ्रॉम द कंट्री इन चैनल वी सुपर सिंगर। प्लेबैक सिंगिंग आपने की है TV सीरियल्स और राजस्थानी फिल्म्स के लिए। म्यूजिक डायरेक्शन आपने किया है संजय रायजादा इन 2 प्रेस्टिजियस राजस्थानी फिल्म्स मारो राम रहीम एंड मारो गोविंद। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारी जज अंशु वर्मा मैम के लिए। मैम के लिए भी चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से हो। आपके लिए बताना चाहेंगे कि आपने जो उपलब्धियां और जो सम्मान हासिल किए हैं उसमें स्वर्ण नृत्यकी, स्वर्ण व रजत पदक व पुरस्कारों से सम्मानित, साथ ही संगीत नाटक अकादमी जोधपुर और जवाहर कला केंद्र जयपुर से अनेक जीवंत प्रस्तुतियां आपने वहां पर दी है, दूरदर्शन के कार्यक्रमों में विशेषज्ञ अतिथि व संचालन व कई रंगमंच नाटकों में संगीत गायन नृत्य व अभिनय आपने किया। अब आपको रूबरू कराते हैं शारदा देवड़ा मैम से। मैम आप आकाशवाणी और दूरदर्शन की कलाकार हैं, संगीत व्याख्याता आप हैं, राज्य कर्मचारी हैं, MA आपने किया है संगीत में, BEd किया है, नेट सेट JRF अवार्ड में आपने संगीत में जीते हैं, भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के पिताजी श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी पर PhD आपने की है, पिताश्री DC देवड़ा भी संगीत गुरु हैं। मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
अब आगे बढ़ते हैं हमारी जज डॉक्टर गरिमा कुमावत मैम की तरफ। डॉक्टर गरिमा कुमावत मैम, आप राजस्थान की स्थापित गायिका और संगीतकार हैं। डॉक्टर गरिमा ने प्रसिद्ध संगीतकार पंडित हनुमान सहाय की शिष्य के रूप में संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। वह राजस्थान के जयपुर घराने के शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञों में से एक हैं। गरिमा शास्त्रीय संगीत ठुमरी या भजन के साथ अपने प्रदर्शन को पूर्णता प्रदान करती है। देखिए, सेमीफाइनल राउंड में हम लोगों ने एंट्री ले ली है और राउंड वन की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। राउंड वन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी चॉइस से कोई गाना गाएंगे, सुनाएंगे और हमारे जजेस को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। राउंड टू में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हमारे जजेस की चॉइस का गाना गाना होगा और राउंड थर्ड जिसके अंदर हमारे पार्टिसिपेंट्स डुएट परफॉर्मेंस के साथ आएंगे और तीनों का जो स्कोर है उसको टोटल करने के बाद जो एक मिला जुला जो रिजल्ट होगा तीनों परफॉर्मेंस के बाद उससे पता चलेगा कि कौन कौन से वो टॉप 10 में से वो टॉप 5 फाइनलिस्ट होंगे जो फाइनल में एंट्री लेंगे। तो शुरुआत करते हैं राउंड वन की और राउंड वन में जो कहते हैं कि अब नहीं होगी किसी की खैर क्योंकि वो है फ्रॉम बाड़मेर। तो बुलाते हैं ऑन द स्टेज मनु गोस्वामी को, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो मनु गोस्वामी। जब देखो बनरी डाल बिड़ी अखियां, जब देखो बनरी डाल बिड़ी अखियां, हो मैं नहीं डरू सा भला निकालो अखियां, मैं को नहीं डरू सा भला निकालो अखियां। जब देखो बनरी डाल बिड़ी अखियां, जब देखो बनरी डाल बिड़ी अखियां, मैं नहीं डरू सा भला निकालो अखियां, मैं को नहीं डरू सा भला निकालो अखियां। कहते हैं एक बेहतरीन शुरुआत। सो नाउ हमारे जजेस क्या कहते हैं एक बार उनसे भी सुन लेते हैं। तो सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे बूंदू खान खंडेला जी सर से कि सर आप प्लीज एक बार बताएं कि परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी। बहुत अच्छा गाया, थैंक यू सर। मनु गोस्वामी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, थोड़ी सी लय जो थी वो डाउन थी, लय कम थी, इसलिए गाने का जो रंग जो था वो बन नहीं पाया। गाना बहुत अच्छा गाया आपने। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ जो हम सभी के बीच में आएंगी और आप सभी को अपनी आवाज से मदहोश करने के लिए आ रही हैं बूंदी से विधि। जोड़ी रा भरतार बलम प्यारा
बातें, बहुत खूबसूरत, बेहद बेमिसाल, उम्दा। और विधि कहना चाहूँगी, आपने इस गाने से सर्दी में भी सावन का एहसास करा दिया है। सो नाउ अब आगे बढ़ते हैं और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी गौरव जैन सर से कि सर प्लीज़ आप एक बार विधि की परफॉर्मेंस के बारे में बताएं कि कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस। अच्छा गाया विधि, आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, आगे राजस्थानी फिल्म्स में भी और इवन वी विश की बॉलीवुड फिल्म्स में भी आपकी आवाज़ गूंजे, एक बार तालियां विधि के लिए और सारे कंटेस्टेंट्स के लिए। विधि के बाद अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अब राजस्थान की दूसरे कोने की तरफ, अजमेर की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और अजमेर से मैं ऑन द स्टेज बुलाना चाहूंगी राहुल भाट को। हो मैं तो झुक झुक करूं रे जुहार रे, हो झुक झुक करूं रे जुहार मैं तो अजी झुक झुक करू रे जुहार। केसरिया तो अब मैं चाहूंगी डॉक्टर अंशु वर्मा मैम से जानना कि मैम आपकी क्या राय है, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी राहुल, और इतना बढ़िया आपने गाया है और जो जितनी भी जगह लिए वो भी बहुत अच्छी, इतनी नज़ाकत के साथ और इतनी खुली आवाज़। संगीत का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब आगे बढ़ते हैं कुछ और कलाकारों की ओर और कुछ और जादुई आवाज के सरताजों की ओर। तो ऑन द स्टेज अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट नरेश डिग्गा को। अरे उतार बालम, उतार बालम, उतार बालम, उतार बालम भी छोड़ो मैं गेंद खेल बाड़े सा, उतार बालम भी छोड़ो मैं गेंद खेल बाड़े सा, उतार बालम भी छोड़ो मैं गेंद खेल बाड़े सा, माया रोलो बीबी छोड़ो नैना रोलो बीबी छोड़ो, माया रोलो बीबी छोड़ो नैना रोलो बीबी छोड़ो, अर गई मर गई अरे र र र र, अर गई मर गई अरे र र र र, उतार बालम भी छोड़ो मैं गेंद खेल बाड़े सा, उतार बालम भी छोड़ो मैं गेंद खेल बाड़े सा। Thank you.
खातिर में तो पियर चाली बिछुड़ा, बिछुड़ा रे खातिर में तो पियर चाली बिछुड़ा माया डालो बीबी चूड़ा अरे नैना डालो बीबी चूड़ा अरे गई मर गई अरे रर 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 अरे गई मर गई अरे रर 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 उतार बालम भी चूड़ो में गेंद खेल बागई था उतार बालम भी चूड़ो में गेंद खेल बागई था खंडीला जी सर, आप बताएं कि आपको ये परफॉर्मेंस कैसी लगी? बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी आपने। थैंक यू सर। बहुत अच्छी बेटा, और रौनक आ गई इस गाने से, रौनक आ गई। इसके बाद अब ऑन द स्टेज बुलाते हैं भगवती डीरा जी को। आओ जी मैम से, डॉक्टर गरिमा कुमावत मैम से, कि मैम आप एक बार बताएं कि ये गाना आपको कैसा लगा? भगवती जी आपने अच्छा गाया, थोड़ी सी आवाज़ आपकी तीखी है, या तो आपका गला ख़राब हो रहा है या क्या, लेकिन आपने अच्छा गाया, अच्छा, और जो मतलब म्यूज़िक था उसके अनुसार आपने बहुत अच्छी कोशिश की। गुलाबी नगर जयपुर से हमें ऑन द स्टेज अपने संगीत से, अपने गाने से सभी को यहाँ पर इम्प्रेस करने के लिए आ रहे हैं कल्याण सहाय, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी बूंदू खान खंडेला जी सर की, सर आप बताएं कि आपको ये आवाज कैसी लगी? बहुत अच्छे से इस गाने को आपने निभाया सर, वह लय वह ताल
बहुत अच्छी थी आपकी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी आपने। थोड़ा सा इनकी परफॉर्मेंस में गौर रखिएगा क्योंकि ऑन द स्टेज अब मैं बुलाने जा रही हैं लक्ष्मण द्वारका फ्रॉम नागौर। बतड़ फिर जी मारो वो चला लो बिला लो मारो मारू मती मारो मारो चला लो बिला लो आपकी परफॉर्मेंस बहुत खूबसूरत थी और आई थिंक कि सभी के दिलों तक ये परफॉर्मेंस पहुंची होगी। तो आप जानते हैं कि हमारे जजेस के दिलों को इस परफॉर्मेंस ने कितना जीता है, तो मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर गौरव जैन सर से। लक्ष्मण अच्छा गाया आपने और गाने का जो फील है उसको पकड़ के गाया आपने, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जो उसका कहते हैं ना उसका तत्व है, जो अच्छा सा मौलिक उसका जो विचार है उसको आपने अच्छे से पकड़ के और उसके साथ जस्टिफिकेशन किया, ये इम्पोर्टेंट होता है। और लक्ष्मण के बाद अब यहाँ पर वापस से रुख करते हैं गुलाबी नगरी का, क्योंकि जिनकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल अतुल्य, यानी कि ऑन द स्टेज अब बुला रहे हैं अतुल राव को, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए अतुल राव की। रेख सा कोई भूरो रे कोई भूरा रे बदल में चमके बिजली झुक जियो मारू दर्द ऐसा
ओ जी पिया प्यारिये मुमल हाले नीन चलू मारू दर काली काजरिये री रे प्यारी रे मुमल हाले ने तो आप जानते हैं हमारे जजेस से कि उनको ये परफॉर्मेंस कैसी लगी, कितने सुर सही थे, कितने गलत थे, या ताल और लय की बातें अब उनसे जानते हैं। अंशुमन, जो गाना है, गाने की जो फ्रेग्रेंस है, उस पर आओ, रूह पर आओ। यस यस, रूह पर पहुंचो। ठीक है, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, और बहुत बहुत सारी बधाई तुमको, खूब आगे अच्छा गाओ। शुक्रिया, शुक्रिया। और परफॉर्मेंसेस के इस दौर में अब आगे बढ़ेंगे झीलों की नगरी की ओर, उदयपुर की ओर, और उदयपुर से अपनी आवाज का जादू यहां तक बिखेरने के लिए आ रही हैं श्रेया पालीवाल। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्रेया पालीवाल के लिए। शारदा मैम के पास, तो शारदा मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपको श्रेया जी की परफॉर्मेंस कैसी लगी, एक बार आप बताएं। श्रेया, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। थैंक यू मैम। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जो आपका मतलब एटीट्यूड है ना बिंदास वाला, वो उस पे ये बिल्कुल गायकी बिल्कुल फब रही थी। ऐसे बिल्कुल लग रहा था कि हाँ, आपके लिए ये गायकी बनी है बिल्कुल। संगीत का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब आगे बढ़ते हैं कुछ और कलाकारों की ओर, और कुछ और जादुई आवाज के सरताजों की ओर। अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए ऑन द स्टेज मैं बुलाना चाहूंगी रितेश बारेट को, कि वो हमें ऑन द स्टेज ज्वाइन करे और अपनी जादू की आवाज से सभी को मदहोश करे। जज डॉक्टर गरिमा मैम से कि मैम आपको ये गाना कैसा लगा, इनकी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? बहुत अच्छा गाया रितेश, लेकिन तुम्हारा सुर जो है ना
वो हिलता है बहुत गाते वक्त, बहुत मतलब एक जगह स्थिरता नहीं है सुर में, है ना। लेकिन बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट था ये जो तुमने गाना लिया, ये भी बहुत अच्छा लिया। तो रितेश की परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पर पहला राउंड जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स के लिए। जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या मैम हमारे साथ जुड़ चुकी है। डॉक्टर सौम्या मैम, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक बार ऑन द स्टेज हमें ज्वाइन करें। और राकेश सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मैम को आप एस्कॉर्ट करके स्टेज तक लेकर आएँ और एक बार ज़ोरदार तालियाँ हो जाए आप सभी की तरफ से। डॉक्टर सौम्या मैम हमारे बीच में हैं, मैम के लिए चाहूँगी एक बार फिर से ज़ोरदार तालियाँ हों आप सभी की तरफ से। बहुत बिजी स्केड्यूल में से अपना कीमती समय निकाल कर आप हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं तरह से। देखिए, सबसे पहले तो आयोजकों को फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान और डायलॉग्स इनके फाउंडेशन की योगी जी, इनका बहुत बहुत साधुवाद कि इन्होंने राजस्थान संस्कृति, लोक संस्कृति को महत्व दिया। और इसके साथ ही हमारा जो राजस्थानी लोक गायन है, जो पूरी देखा जाए तो पूरी दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध है, सुना जाता है, पर इसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो इस प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आवाज़ राजस्थान राजस्थान री में थारी सब ने घनी घनी जो है शुभकामना, और थे सब यहीं ही आगे जो राजस्थानी आवाज़ के माध्यम हूँ राजस्थानी लोक और संस्कृति रे गीत गीता के माइन पूरा विश्व के अंदर प्रसिद्ध हो, आई मेरी शुभकामना है। मैम यहाँ पर हमारे बीच में है, तो मैम हम चाहेंगे कि आपकी आवाज़ का जादू भी एक बार इस माहौल में हो और मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और इसी बीच स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत की इस कड़ी में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी राकेश योगी सर से कि सर आप एस्कॉर्ट करके पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुकेश मीणा जी को ऑन द स्टेज लेकर आएं और उनका स्वागत यहाँ पे करें। मुकेश मीणा जी, एक बार प्लीज़ आप हमें ज्वाइन करें ऑन द स्टेज। मैं शुभकामनाएं देता हूँ फर्स्ट इंडिया न्यूज और इनिशिएट फाउंडेशन के राकेश योगी जी, जिन्होंने राजस्थानी जो कलाकार है उनको एक नया मंच देने का काम किया है। जो राजस्थानी कलाकार को एक मंच नहीं मिलता था, और इस कला को पहचान दिलाने के लिए एक देश और विदेश में इस कला को इस कार्यक्रम से पहचान मिलेगी। और एक आवाज़ राजस्थान री जो ये आवाज़ है ये पूरे ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में गूंजेगी, इसकी शुरुआत हुई है। और अब प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं सेकंड राउंड की तरफ। सेकंड राउंड में जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको हमारे जजेस की चॉइस के अकॉर्डिंग गाने होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी बूंदू खान खंडेला जी सर आपसे कि आप मनु गोस्वामी को बताएं कि कौन सा गाना उन्हें गाना है। होलिया में उड़े रे गुलाल। अरे होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रंग में थे तारे छे। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो मन छे चरु छे। भारी मंगे तर छुड़ ले भारी, भारी मंगे तर छुड़ ले भारी। मूछा बड़ो रे जवा तुम्हारे रंग के सरियो। मूछा बड़ो रे जवा छुड़ी रंग के सरियो। नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं बुलाना चाहूंगी ऑन द स्टेज विधि शर्मा को। डॉक्टर गौरव जैन सर आपकी तरफ, आप बताएं विधि को कि कौन सा गाना उन्हें गाना है। विधि, आपके गानों की मैं लिस्ट देख रहा था, एक गाना बहुत मेलोडियस सॉन्ग है, चांद चढ़ियो के किनार। परफॉर्मेंस के बाद अब इस राउंड में यानी कि हमारे सेकंड राउंड में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट परफॉर्मर राहुल भाट के साथ। सो राहुल को मैं ऑन द स्टेज बुलाना चाहूंगी और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अंशु वर्मा मैम से कि मैम आप अपनी चॉइस का कोई गाना बताएं राहुल के लिए।
राहुल आपके लिए गाना है रूनी चेरा धनिया अजमाल जीरा कमरा। हे रूनी चेरा धनिया, रूनी चेरा धनिया अजमाल जीरा कमरा, माता मेरा तेरा लाल रानी ने तगरा बरदार, मारो हेलो मारो हेलो सुनो चेरा माफी, नरेश की आवाज की ओर। और नरेश दिग्गा की आवाज के लिए कौन सा गाना उन्हें गाना है ये बताएंगी शारदा देवड़ामा। की लिस्ट में एक सॉन्ग है कोरी कंचन काया भारी। कामणिगारी हो काया मारी या रति कामने आवे रे मारी, नस नस रस भरे सावे रे या रति कामने आवे रे मारी, नस नस रस भरे सावे रे कामन गारी काया मारी, कामन गारी काया मारी रति कामने आवे रे मारी, नस नस रस भरे सावे रे हमारी, नस नस रस भरे सावे रे। परफॉर्मेंस के साथ नेक्स्ट कंटेस्टेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं भगवती डीरा के साथ। भगवती जी आपकी एक लिस्ट, ये जो लिस्ट दी है इसमें ये लता जी का एक गाना है बावरी बोले लोग। असल मेरी सॉन्ग है धोरे माथे झोपड़ी। धोरे माथे झोपड़ी रे ओ द्वारका के लिए गाना बताएंगे हमारे जज डॉक्टर गौरव जैन। लक्ष्मण आपने जो गाने लिखे हैं उनमें से एक ही गाना है जिसका अलग रंग है निम्बुड़ा। निम्बुड़ा रे 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 काचा छोटा छोटा निमुड़ा लाई दो, निमुड़ा लाई दो मन लाई दो लाई दो लाई दो मन ला दो मारी सगी ननद रावी रावे बाग तू तो काचा निमुड़ा लाई दो तुला लाई दो। खूबसूरत परफॉर्मेंस के बाद बुलाते हैं अतुल राव को
और अतुल राव के लिए जो गाना उन्हें गाना है वो बताने वाली है डॉक्टर अंशु वर्मा मैम। हमारे लिए गाना हमने सेलेक्ट किया है बोले तो मीठो लागे। अरे बोले तो मीठो लागे, बोले तो मीठो लागे, हंसे तो प्यारो लागे, बोले तो मीठो लागे, हंसे तो प्यारो लागे। आयो परदेसी मारे आंगने हो, आयो परदेसी मारे आंगने। अरे बोले तो मीठो लागे, जागे तो प्यारो लागे, बोले 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 मीठो लागे, जागे तो प्यारो लागे। आयो परदेसी मारे आंगने, आयो परदेसी मारे आवने हो, सावरी सूरत हटिया लो मारो बनो, सावरी सूरत हटिया लो मारो बनो, सावरी सूरत एडो हटिया लो बनो, आयो परदेसी मारे आगने हो। संगीत का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नेक्स्ट कंटेस्टेंट है हमारी श्रेया पालीवाल और इनके लिए जो गाना है, जो उन्हें गाना है वो बताएंगी शारदा देवड़ा मैम। तो शारदा मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बताएं श्रेया को कि कौन सा गाना वो गाए। आपकी लिस्ट में गाना लिखा हुआ है जहाज बाई। जी पालीवाल के बाद अब बुलाते हैं रितेश बारेट को और रितेश बारेट के लिए जो गाना उन्हें गाना है वो बताएंगी डॉक्टर गरिमा कुमावत मैम। आप ये गाइए उड़ जा बाई रे। अरे उड़ जा बाई रे चिड़कली, अरे उड़ जा बाई रे चिड़कली, बोल रे पपीहा, उड़ जा बाई रे चिड़कली, बोल रे पपी उड़ जा भाई रे चिड़कली, बोल रे पपीहा, उड़ जा भाई रे चिड़कली, बोल रे पपीहा, पर दिशारी खबरा बे गोला जे पपीहा, पर दिशारी खबरा बे गोला जे पपीहा। शुरुआत करते हैं थर्ड राउंड की और थर्ड राउंड की शुरुआत के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं नरेश दिग्गा और मनु गोस्वामी जो अपनी आवाज के जादू से सभी को पल्लो लटकाने पर मजबूर करने वाले हैं। पल्लो लटके धरो, पल्लो लटके है, पल्लो लटके धरो, पल्लो लटके, जरा सो जरा सो जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामर, पल्लो लट पल्लो लटके गोरी को, पल्लो लटके, पल्लो लटके गोरी को, पल्लो लटके, जरा सो जरा सो ऊंचो ले ले गोरी, पल्लो भीग जावे लो, जरा सो ऊंचो ले ले गोरी, पल्लो भीग जावे लो। और नेक्स्ट डू इट परफॉर्मेंस के साथ हमारे बीच में आ रही हैं विधि शर्मा एंड रितेश बारे। भरियो ये बोड़ा खाए, जल भरियो ये बोड़ा खाए, धनिया रेशम की, जल भरियो ये बोड़ा खाए, धनिया रेशम की। Thank you.
हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो हमें ऑन द स्टेज ज्वाइन करेंगे डुएट परफॉर्मेंस के लिए वो है कल्याण सहाय जी और भगवती बीरा जी। बैसरा बीरा जयपुर जा जो सा बैसरा बीरा ओ जयपुर जा जो सा आता तो ले जो तारारी परफॉर्मेंस के लिए मैं ऑन द स्टेज बुलाना चाहूंगी राहुल भाट और लक्ष्मण द्वारका को। हो धन मारा देश ठिकाना ठिकाना रे धन मारा देश ठिकाना हो धन मारा देश ठिकाना रे धन मारा देश ठिकाना ठिकाना लकड़ी और छाना रे मैं चौकी बैठा मैं मौजा मारा चौकी बैठा मौजा मारा बच के चाची लमड़ीरा ताना रे धन मारा दे फाइनल के लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंटेस्टेंट की तरफ श्रेया पालीवाल और अतुल राव की। झटपट उठी मारो गुण खड़कायो द्वार रे मारो थर्ड राउंड यानी कि फाइनल राउंड के लास्ट
परफॉर्मर्स और लास्ट कंटेस्टेंट, और इन लास्ट कंटेस्टेंट्स के साथ ही अब यहाँ पर हमारा सेमीफाइनल राउंड का एंड होता है। और इस सेमीफाइनल राउंड में जिसमें 10 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, उनमें से टॉप 5 हमें मिलने वाले हैं जो फाइनल राउंड में आगे जाएंगे और आवाज राजस्थान री के विनर बनेंगे। तो इस राउंड के रिजल्ट्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे जजेस कि वो हमें एक बार ऑन द स्टेज ज्वाइन करें। चलिए तो वक्त हो चुका है अब उन टॉप फाइनलिस्ट के नाम आप सभी को बताने का जो फाइनल राउंड में हमारे साथ आगे बढ़ेंगे, और उनमें से कोई एक आवाज राजस्थान री का टाइटल विनर होगा। तो जिन्होंने डिसीजन लिया है कि कौन वो 5 होंगे जो आगे जाएंगे, वो जजेस हमारे साथ हैं। तो शुरुआत करते हैं सर आपसे, मुंदू खान जी। उस पार्टिसिपेंट का नाम ले रहा हूँ, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है जिस बच्चे ने, बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत अच्छे सुरों के साथ, रितेश कुमार। मुझे जो नाम अनाउंस करने का जिम्मा दिया गया है, कल्याण सहाय। मैं जिनका नाम अनाउंस करने जा रही हूँ वो अपने आप में एक बहुत अच्छी शख्सियत है, उनका नाम है श्रेया पालीवाल। मैं नाम अनाउंस कर रही हूँ वो राहुल भाट का नाम अनाउंस कर रही हूँ। मैं जो नाम अनाउंस कर रही हूँ ये हमारे राजस्थान के एक छोटे से गाँव से हैं, लक्ष्मण जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमारे सभी 5 जजेस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतनी बारीकी से जांच करके सही फाइनलिस्ट हमारे बीच में लेकर आए। तो एक बार सभी जजेस के लिए जोरदार तालियां हो जाए। टॉप 10 सारे ही एक से बढ़कर एक थे, तो वो टॉप 5 के बाद वो 5 जो अब फाइनल में नहीं जाने वाले, पर उनका यहाँ तक का सफ़र बहुत खूबसूरत रहा, बेहद उम्दा रहा। तो एक उनके फेलिसिटेशन के लिए मैं जजेस से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उनको फेलिसिटेट करें, उनका सम्मान यहाँ पर करें। खूबसूरत सफ़र था हमारे सेमीफाइनल राउंड का, जहाँ से हमें टॉप 5 फाइनलिस्ट मिले हैं आवाज़ राजस्थान री के लिए। तो अब देखना ये होगा कि फाइनल में कौन बनेगा विनर, और इन टॉप 5 में से कौन ये टाइटल विनर बनकर जीतने वाले हैं हमारे जजेस का दिल और राजस्थान के लोगों का दिल। तो तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।